अस्सलाम वालेकुम, द एग्नी बालकनी के साथ शाजिया हाजिर है। आवा भी है और आवा ज्यादा बात करने के मूड में नहीं है। पहले वैसे जल्दी से उससे जान छुड़ा ले, फिर मैं आती हूँ, मैं थोड़ा तफसील से बात करूंगी। जो होना था वो हो गया। गोलियां उसने रायमा के हिस्से की सरदार सैफ ने खा ली थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गया था, जबकि उसकी पहली बीवी ने रायमा के लिए बंदा भेजा था कि इसको मार दो, हिटमैन भेजा था। मियां को लग गई, हुआ ये नुकसान कि पहली बीवी जो है उसका काफ़ी नुकसान हो गया, वो बेवा हो गई। रायमा का फिलहाल तो रायमा को लग रहा होगा कि नुकसान है, मगर रायमा के सारे एलाइज, उसके जो प्यार करने वाले थे, उसके साथी, उसके इर्द गिर्द आ गए। और तो और जो पहली बीवी के टीम में जो बेटी थी अबीरा को भी पता चल गया कि माँ ने मरवाया है। अबीरा भी माँ के कैंप से निकल के रायमा के कैंप में आ गई है, उसको भी रायमा को वो एडमायर करने लगी है, इज्जत देने लगी है। और एज फॉर रायमा, उसका जो पहले जो मंगेतर था उसको भी उसके अब्बा ने बता दिया, रायमा के मामू ने, कि देखो ये किडनैप हुई थी, ये तुम्हें यूँ बेवफा नहीं थी, छोड़ के नहीं गई थी, तो उसको भी बता दिया। वो भी अब उससे हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है। और उसकी पहली बीवी भी आई और उसने बोला कि नाउ वेयर डज दिस लीव मी इफ यू स्टिल लव हर, तो उसने बोला कि वेल आई डोंट नो, अब वो अपने कर लेगा, अपने फैसले दिमाग में, वो अपना उलझा हुआ दिमाग वो सुलझा लेगा। और रायमा शी वॉज थ्रू आउट दिस टू ईयर्स, इन दो सालों में जब वो सरदार सैफ से उसकी शादी थी, रखी हुई भी थी, वो एक चीज होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा, वो ये चीज होती है कि आपको अपने ही एबडक्टर से कुछ अरसे के बाद प्यार हो जाता है, आप उसकी सारी हरकतें जो है समझने लगते हैं कि वो आपके खातिर कर रहा है, उसको आपकी परवाह है। और वो रायमा तो उससे सफर कर रही थी, शी विल कम आउट ऑफ इट इवेंचुअली, शी इज एक्सपेक्टिंग बच्चा जो है वो सरदार सैफ का, अब तो पता ही है, लग ही रहा है कि वो बेटा होगा, एयर आ जाएगा और ये अमीर भी हो जाएगी, इसको अपना मंगेतर भी मिल जाएगा, तो कहानी खत्म, पैसा हजम, आवा भी खुश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से, बाय बाय। वो उसकी तरफ पॉइंट की और वो एकदम से देखने लगी, इसकी तरफ से भी बाय, घबरा।